बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ज़ुबैर बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम अपने पुराने सलेंसर को बिल्कुल न्यू जैसा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सलेंसर है जिसको आज हम बफ लगाएंगे। बफ लगाने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताएँगे। दोस्तों बफ लगाने से पहले की कंडीशन आप सलेंसर की देख सकते हैं कि सब ऊपर दाग और ये चीज़ें जो है कलर बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अब हम इसको बिल्कुल न्यू जैसा बनाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हमें सलेंसर को बिल्कुल न्यू करने के लिए कुछ टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं हमें एक सांड मशीन चाहिए। इसकी मदद से दोस्तों हम जो है सलेंसर को बफ लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो डिक्स जो हम ऊपर चला रहे हैं ये एब्रेसिव टिक्स है दोस्तों। इससे जो सलेंसर के ऊपर निशान होते हैं और जो दाग धब्बे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों इससे हम सारे सलेंसर पे यानी कि इसको लगाएंगे। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. तो दोस्तों इसी तरह हम सारे सलेंसर को अच्छी तरह एब्रेसिव डिस्क की मदद से रगड़ लेंगे यानी कि जो भी इसके ऊपर दाग धब्बे हैं वो ख़त्म करेंगे। तो एब्रेसिव डिस्क लगाने के बाद दोस्तों हम लगाएंगे इस पे कपड़े वाला बफ ब्रश। कपड़े वाला बफ ब्रश लगा लेते हैं दोस्तों। जो कपड़े वाला बफ ब्रश है इस पर हम एक चीज़ और भी लगाएँगे जिसे कहते हैं लस्टर साबुन। दोस्तों इस साबुन और कपड़े वाले बफ ब्रश की मदद से दोस्तों सलेंसर पे चमक आती है जैसा कि आप देख रहे हैं। जहाँ जहाँ ये लगता जा रहा है बिल्कुल यानी कि सलेंसर के ऊपर से मैल उतरती जा रही है। तो दोस्तों इसको हम अच्छी तरह लगा लेंगे। तो दोस्तों कपड़े वाला बफ ब्रश अच्छी तरह लगाने के बाद दोस्तों हम इस पर एक और चीज़ एक और डिस्क भी लगाएंगे। उसे कहते हैं दोस्तों वाइट कलर की छोटी बफ ब्रश। ये देख सकते हैं दोस्तों इस बफ ब्रश से हम दोस्तों फिर सलेंसर को अच्छी तरह साफ़ करेंगे। दोस्तों थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन सलेंसर जो है बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा आपका।
तो दोस्तों जो मैकेनिक भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये छोटे छोटे काम आप भी किया करें और आप इनसे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो मैं भी दोस्तों इसको यानी कि काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। आप लोग भी ये काम ज़रूर किया करें। इसके बाद दोस्तों मैं वीडियो लेके आऊँगा कि हम मोटरसाइकिल के व्हील की हब को कैसे पॉलिश कर सकते हैं, शॉक बॉटम के मुतालिक भी लाऊंगा। इसी तरह दोस्तों मैं और वीडियो मज़ीद बफ के मुतालिक बनाता रहूँ। ये है दोस्तों हमारा फाइनल रिज़ल्ट, जैसा कि सलनसर आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो गया। दोस्तों ये आपने फाइनल कपड़ा जब लगाना है तो चाक मट्टी की मदद से लगाना है। दोस्तों चाक मट्टी किसी भी मिल स्टोर से आपको बआसानी मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।